हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नरेश टेक इंडियन में। मैं आपको बताता हूँ कि कॉन्टैक्ट्स को ईमेल में कैसे सेव को ईमेल में सेव करने से हमें दो लाभ हैं। पहला, अगर हमारा मोबाइल फ़ोन हो जाए या चोरी हो जाए तो हम अपने कॉन्टैक्ट्स को दोबारा अपने फ़ोन में या अन्य किसी फ़ोन में इंपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा, हम अपने कॉन्टैक्ट्स को किसी भी अन्य फ़ोन में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कॉन्टैक्ट्स को ईमेल में कैसे सेव करें, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करें। एंड्रॉयड डिवाइस या एंड्रॉयड फ़ोन में सेटिंग्स को ओपन करते हैं। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद नीचे स्क्रॉल करते हुए गूगल पे क्लिक करना है। इसके बाद पेज खुलेगा, इसमें भी नीचे स्क्रॉल करते हुए सेटिंग फॉर एप्स, गूगल एप्स, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद गूगल कॉन्टैक्ट साइन इन पर क्लिक करके आल्सो साइन इन डिवाइस कॉन्टैक्ट्स, ये ऑफ होगा, आपने ऑन करना है। या फिर अगर आपके मोबाइल में अकाउंट नहीं जुड़ रहा तो ईमेल आईडी यहाँ से नया जोड़ना तो नया जोड़ सकते हैं। इसके बाद हम अपने मोबाइल फ़ोन के कॉन्टैक्ट्स में आते हैं। कॉन्टैक्ट्स में आने के बाद थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद हम आप अगले पेज पहुँच जाएंगे, उस पर हमको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट्स पर क्लिक करना है। इम्पोर्ट, इस पर क्लिक करने के बाद इम्पोर्ट फॉर अनदर फ़ोन या इम्पोर्ट फोन स्टोरेज, हमको इम्पोर्ट फोन स्टोरेज पर क्लिक करने के बाद किस अकाउंट में करना है, गूगल अकाउंट में, तो इसको करने के बाद ड्राइव कॉन्टैक्ट्स बन जाएगा। अगर आपका पहले से ही अकाउंट है तो आपको ऐड अकाउंट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम अपने कॉन्टैक्ट्स में आते हैं। कॉन्टैक्ट्स में आने के बाद थ्री डॉट पर क्लिक करना है। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद सेटिंग में जाकर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट्स पर क्लिक करते हैं। इसके बाद एक्सपोर्ट टू स्टोरेज डिवाइस क्लिक करने के बाद ऑल कॉन्टैक्ट्स एक्सपोर्ट क्लिक करेंगे। इसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।